उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, उसको लग रहा है कि कहीं अभी अली वो टीम में चला जाएगा तो वो अकेला ना पड़ जाए। राहुल इनसिक्योर, मतलब राहुल अपना गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अली और राहुल तो अभी लीडर बनना चाहते हैं मेन। राहुल को जेलस फील हो रहा है क्योंकि अभिनव और अली का पहले से दोस्ती इतना नहीं था। इनसिक्योरिटीज तो उसको फील होगी, पर मुझे नहीं लगता कि राहुल किसी से जेलस। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि राहुल, अभिनव और अली तीनों साथ में आगे बढ़े। राहुल को इनसिक्योरिटी फील हो ही नहीं सकती बिकॉज वो खुद ओवर एकदम कॉन्फिडेंट बंदा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि राहुल को कोई इनसिक्योरिटीज होगी, क्योंकि अली और राहुल का बॉन्ड मुझे जो दिखने में लगता है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो डर होना ही चाहिए, और प्लस रही बात अगर वो सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको सॉल्व करना चाहिए सब चीज़ें। सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। दोनों कल के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अली और अभिनव जो है टास्क के अंदर अपने इश्यूज रिजॉल्व करते हुए नजर आए, तो उस पर जब राहुल ने बोला कि अच्छी बात है अगर आप ओवरकम कर रहे हैं थोड़ा सार्कास्टिक वे में, तो क्या लगता है राहुल कहीं ना कहीं डरे हैं इस बात से, कोई जेलसी उनको लग रही है? उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, उसको लग रहा है कि कहीं अभी अली वो टीम में चला जाएगा तो वो अकेला ना पड़ जाए, वो वीक ना दिखने लग जाए, इसलिए उसने ऐसे बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लगता है गेम कहीं ना कहीं पलट सकता है कि अली जो है वो हमेशा से उन्होंने बोला है कि वो रुबीना की रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर अभिनव के साथ भी अब उनके रिश्ते ठीक हो रहे हैं तो क्या लगता है गेम पर कोई असर आ सकता है? हाँ, गेम पलट सकती है अगर सच में अगर अली उसके साथ चले जाए, रुबीना के साथ खेलने लग जाए, तो राहुल अकेला हो जाएगा क्योंकि वही एक है जो रुबीना से बातचीत नहीं करता। अली तो ओवरऑल बातचीत करता है, सबसे बात करता है, तो मुझे लगता है कि पलट सकता है गेम। आप क्या देखना चाहेंगी अली रुबीना और अभिनव को साथ में आगे, क्या किसकी राहुल के साथ देखना चाहेंगी? अली और रुबीना और अभिनव के साथ देखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि राहुल के साथ मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ होगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? रुबीना। थैंक यू, वेलकम। राहुल इनसिक्योर, मतलब राहुल अपना गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अली और राहुल तो अभी लीडर बनना चाहते हैं मेन, और वो लोग तो अभी लाइक रुबीना को सपोर्ट नहीं कर रहे, और वो सिर्फ अली को, वो राहुल सिर्फ अली का सुन रहे, सीधा सीधा दिख रहा है सबको कि राहुल सिर्फ अली का सुन रहा है और कुछ नहीं है उसमें। कल के एपिसोड में हमने जैसे देखा कि अली और अभिनव की जो हमने देखा पहले से लड़ाई चल रही है बहुत टाइम से देखा, पर अभी कल के एपिसोड में हमने देखा कि वो रिजॉल्व करते हुए दिखे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये गेम पलट सकता है राहुल के लिए? राहुल के लिए गेम नहीं पलट सकता क्योंकि वो सिर्फ अली भी गेम खेलने के लिए अभिनव से दोस्ती कर रहा है अभी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो गेम पलटेगा। मतलब वो अभी उसका वो वाला ही फ्रेंडशिप रहेगा क्योंकि वो लोग फाइनली एक ही बिल्डिंग में रहते, तो उनको तो करना ही पड़ेगा ये सब इसके लिए। हम क्या अली, अभिनव और रुबीना को आगे साथ में देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अली ने हमेशा बोला कि रुबीना उन बहन जैसी रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या उनको हम साथ? यस, मैं अली, अभिनव और रुबीना को ही साथ देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। रुबीना माय फेवरेट है, आई लव यू रुबीना। मतलब आप आगे उनका गेम ज़्यादा देखना चाहेंगी राहुल से कंपेयर करें तो? राहुल से कंपेयर करें तो अली और रुबीना, और निकी तंबोली का देखना चाहती हूँ स्पेशली गेम। राहुल को मैं नहीं देखना चाहती क्योंकि वो सिर्फ अली का ही सुन रहा है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, वेलकम। राहुल को जेलस फील हो रहा है क्योंकि अभिनव और अली का पहले से दोस्ती इतना नहीं था, क्यों राहुल और अली बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, तो अभी राहुल का ऐसा लग रहा है कि अभिनव उसकी प्लेस ले रहा है अली के यहाँ पे, क्यों अली, जैस्मिन, राहुल और रुबीना इन लोग क्लोज थे पहले से, तो इसलिए अभी राहुल को जेलस फील हो रहा है। क्या लगता है कोई गेम पलट सकता है अभी, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं अली और अभिनव की अभी आगे रिजॉल्व हो रहे हैं इश्यूज, तो राहुल कहीं ना कहीं उससे अगर डर रहे हैं तो गेम कोई पलट सकता है अभी? हाँ, अभिनव अभी पलट सकता है गेम, क्यों राहुल अभी अली से एकदम ये हो गया है, क्यों अली राहुल को एकदम जेलस फील हो रहा है अली से। क्या अभी हम आगे अली, रुबीना और अभिनव को साथ में देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा से अली ने बोला है कि वो रुबीना की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बहन जैसी है, तो क्या लगता है उनका हम ज़्यादा आगे देखने वाले हैं कि राहुल के साथ ही चलेगा? अभी तो अभिनव के साथ ही चलेगा, क्यों राहुल अभी मीन्स थोड़ा जेलस फील हो रहा है ना उसको, तो अभी वो नहीं होएगा इतना। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं अभी अभिनव को सपोर्ट कर रही हूँ। थैंक यू, वेलकम। इनसिक्योरिटीज तो उसको फील होगी, पर मुझे नहीं लगता कि राहुल किसी से जेलस हो, या फिर वो ऐसा बोले कि नहीं तो उसके साथ दोस्ती मत कर, नहीं तो हमारी दोस्ती पे इफ़ेक्ट होगा। वो तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने बोला कि हाँ तू रिजॉल्व कर ले, पर उन लोगों की दोस्ती तो आगे भी चलेगी। क्या अली, अभिनव और रुबीना को आगे हम देख सकते हैं एक साथ, क्योंकि अभी हम देख रहे थे अली और अभिनव का बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, पर हमेशा से अली ने बोला है कि वो रुबीना की रिस्पेक्ट करते हैं और वो सबके साथ यू नो घर में अच्छा बना के रखते हैं, तो क्या लगता है उनके साथ हमें आगे कुछ देखने को मिलने वाला है, या फिर राहुल के साथ जो उनकी दोस्ती चल रही है वो वैसी ही चलेगी?
रुबीना और अली का तो देखने को आगे हमको मिलेगा ही, क्योंकि वो दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और अभिनव भी उनका अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और मेरा तो पर्सनल वोट अभिनव और रुबीना को साथ में देखने में है। क्या आपको लगता है इससे गेम पर कोई असर हो सकता है, क्या गेम पलट सकती है कि राहुल और अली के रिश्ते जो हैं उस पर कोई असर हो सकता है कि वो ऐसे ही रहने वाला है? नो, नॉट एट ऑल, कोई असर नहीं होगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं अभिनव को, क्योंकि रुबीना मुझे ज़्यादा मतलब बहुत वो लगती है, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ी वो मुझे एटीट्यूड टाइप लगती है, तो मैं अभिनव को सपोर्ट करूँगी। थैंक यू, वेलकम। नहीं, मुझे मैं तो यही कहूँगा कि राहुल, अभिनव और अली तीनों साथ में आगे बढ़े, क्योंकि वो तीनों और मुझे राहुल और अभिनव एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगते हैं बिग बॉस, वो लोग आगे जाके जीत भी सकते हैं, तो अगर वो तीनों अपना अलायंस बना ले तो फिर उनको हराना एक टीम एज अ टीम बहुत मुश्किल हो पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा अली और अभिनव का झगड़ा हम देख चुके हैं पिछले भी हफ्ते में बहुत बार हुआ है, तो राहुल क्या लगता है आपको कि अगर अली और अभिनव के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो उस पर राहुल की जो दोस्ती अली के साथ कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ सकता है, कोई चेंज हो सकता है गेम में? राहुल और अली की दोस्ती को मतलब कोई तोड़ नहीं सकता, और राहुल ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जो मतलब किसी उसको किसी से जेलस हो अगर किसी की दोस्ती उसमें बढ़े तो। अभिनव और रुबीना और अली की अगर बात करें तो क्या उन तीनों का ट्रायो आगे दिख सकता है, क्योंकि अली ने हमेशा बोला कि रुबीना की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी हमने देखा है रुबीना के लिए अली जो है, तो क्या लगता है आगे जाकर वो ज़्यादा रुबीना के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे या जो उनका राहुल के साथ चल रहा है वही चलेगा? एज मच आई नो, मुझे नहीं लगता कि अली अभी मतलब ये स्टेज पे राहुल के साथ अभी फ्रेंडशिप तोड़ के रुबीना के साथ जाना चाहेंगे। अभिनव और रुबीना का एक ड्यूओ है तो अली यही सोचेगा कि वो राहुल के साथ खेले। आप किसको सपोर्ट? मैं सपोर्ट करता हूँ रुबीना को। थैंक यू, वेलकम। राहुल को इनसिक्योरिटी फील हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो खुद ओवर एकदम कॉन्फिडेंट बंदा है, उसको किसी के सपोर्ट या आगे बढ़ने के लिए किसी के भी सहारे की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। वो शो में बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत आगे खुद भी बढ़ सकता है। अच्छा, जो अली, अभिनव और रुबीना का जो ट्रायो है क्या लगता है आगे हम देख सकते हैं, क्योंकि अली हमेशा बोलते हैं कि रुबीना उनकी बहन जैसी है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं वो, तो क्या देख सकते हैं हमको ऐसा आगे, क्योंकि अभी तक तो अभिनव से झगड़ा चल रहा था उनका? अली जो है वो रुबीना को हमेशा सपोर्ट करता है, थोड़े से इश्यूज हो गए थे उसका रुबीना को लेके जो पीछे पीछे बोलता है, लेकिन फिर भी वो रुबीना को बहुत रिस्पेक्ट करता है, एंड रुबीना इज़ आल्सो बेस्ट प्लेयर एंड रुबीना इज़ अ विनर, रुबीना इज़ माय फेवरेट। अच्छा, या तो क्या लगता है घर के अंदर कहीं ना कहीं पासा पलट सकता है, आपको ऐसा लगता है कि अली जो है वो रुबीना और अभिनव की साइड आ जाए? अली मतलब ऑलवेज मुझे जहाँ तक की लगता है वो अली हमेशा राहुल का सपोर्ट करते ज़्यादा दिखते हैं, रुबीना को अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगे हैं, बट अली जो है वो राहुल के लिए लॉयल है, तो अली राहुल को सपोर्ट करें। आप देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे अली को रुबीना और अभिनव के साथ या फिर राहुल के साथ ही अच्छे लगते? अली को मैं रुबीना के साथ देखना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि उसकी दोस्ती लॉयल ही रहे, वो चीट ना करे राहुल को। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि राहुल को कोई इनसिक्योरिटीज होगी, क्योंकि अली और राहुल का बॉन्ड मुझे जो दिखने में लगता है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आई डोंट नो कि मतलब आई डोंट थिंक कि उनको कोई इनसिक्योरिटी होगी, वो जस्ट अली को समझा रहे होंगे कि ठीक है आपने कर लिया अच्छा है करके। अच्छा, तो अली और अभिनव और रुबीना का जो है वो ट्रायो कहीं क्या लगता है आपको आगे देख सकता है हमें, क्योंकि अभी पहले अली और अभिनव की बहुत ज़्यादा हमने देखा झगड़े उनके अंदर बहुत ज़्यादा हुए, बट क्योंकि अली बोलते हैं कि रुबीना उनकी बहन जैसी है, उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या लगता है आगे हम कुछ देख सकते हैं? रुबीना और अली का हम देख सकते हैं, पर अभिनव अभी तो अली कुछ अभिनव के साइड में नहीं लग रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, मतलब रुबीना के लिए तो उनका फॉर श्योर उनका सिस्टर एज ए सिस्टर वो उनको मानते हैं, तो उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, अभिनव के लिए मुझे नहीं लगता है आगे कुछ हो पाएगा। आप क्या देखना चाहेंगे, कि आप देखना चाहेंगे उन तीनों का ट्रायो या फिर वो अली और राहुल आपको पसंद है ज़्यादा? अली एंड राहुल फॉर श्योर। क्या लगता है गेम इस चीज़ से कुछ पलट सकता है कि नहीं, कि अली अगर वह सबको अपनी गुड बुक्स में रखने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो अभिनव के साथ भी अपने जो मामले हैं वो सुलझा लें, तो क्या लगता है कि फ्रेंडशिप में उसकी कोई दरार आ सकती है, कोई मामला पलट सकता है, क्या लगता है?
अभी तक तो जैसे दिख रहा है कि राहुल और अली का फ्रेंडशिप ऐसा है कि बहुत से लोगों ने, जैसे खुद होस्ट ने उनको थोड़ा सा क्या झमुरा वमुरा वगैरह कह के बोला, पर फिर भी उनके फ्रेंडशिप में उनको मतलब कहीं पे गिल्ट नहीं लगा राहुल को, तो मुझे लगता है आगे भी कुछ ऐसा नहीं होगा। आप किसको सपोर्ट कर? सॉरी, आप किसको सपोर्ट कर? राहुल। थैंक यू। हाँ, थोड़ा बहुत तो डर होना ही चाहिए, और प्लस रही बात अगर वो सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको सॉल्व करना चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर रिश्तेदारी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है उन लोग को, अगर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी उन लोगों के लिए। क्या गेम पलट सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अगर अली और अभिनव का रिश्ता जो है वो ठीक हो जाता है घर के अंदर, तो रुबीना जो है उनको तो वो ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बोला है, तो क्या लगता है गेम पर कोई असर आ सकता है? गेम पे थोड़ा बहुत असर आ सकता है, बिकॉज रही बात फ्रेंडशिप बाहर भी होती है, और रही बात गेम की, अगर गेम तो हर किसी को जीतना है, तो फिर थोड़ा बहुत असर होगा ही। आप क्या देखना चाहेंगी अली, अभिनव और रुबीना को एक साथ आगे गेम में? ऑफकोर्सली देखना ही चाहोगी, बिकॉज उन लोग दोनों तीनों भी बहुत प्यारे लगते हैं इसके लिए। आप किसको सपोर्ट करती? मैं अभिनव को। थैंक यू। वेलकम।